यार सेरीडॉन की गोली चाहिए है, मेरा सर है ना पूरी तरह से फट रहा है भाई। और इस रिव्यू के बाद मैं सबसे पहले सेरीडॉन खाऊंगा। सीरियसली मैं तुमको बता भी नहीं सकता कि क्या हो क्या रहा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। पैनिक जो कि एक वेब सीरीज है, ये अमेजोन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज हुई है। इसमें टोटल 10 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 40 मिनट से लेके 48 मिनट्स के बीच में। ये और ये इंग्लिश में रिलीज़ हुई है, ये हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। खैर शो की कहानी बता दूँ कि यहाँ पर एक ऐसा टाउन देखने को मिलेगा जहाँ पर पुअर और रिच पीपल्स रहते हैं, लेकिन ये टाउन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जितने भी जो अमीर बच्चे हैं वो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सिटी में चले जाते हैं अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो लोग कहीं ना कहीं इसी टाउन में फंस कर रह जाते हैं और उनको इस टाउन में नहीं रहना है। बट प्रॉब्लम ये है कि बाहर जाने के लिए उनके पास एटलीस्ट पैसे तो होना चाहिए। तो ऐसे में इस टाउन के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो लोग एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम है पैनिक। इस गेम को किसने ऑर्गेनाइज किया, ये गेम आखिर स्टार्ट कब हुआ, ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन इतना पता कि ये समर में स्टार्ट होता है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद समर में जब स्टूडेंट्स के पास करने के लिए कुछ था नहीं और उनको पैसों की ज़रूरत थी, तो किसी ने ये पैनिक गेम इंट्रोड्यूस किया। अब इस गेम में बेसिकली होता क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और मैं आपको बता दूं इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए एटलीस्ट आपका ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका हो तभी आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसमें कितने भी स्टूडेंट कर सकते हैं, 20, 25, 40, मतलब हर साल कम ज़्यादा होते रहते हैं। और इसकी जो विनिंग अमाउंट है वो भी अलग अलग होती है, जैसे कि पिछले साल $30,000 थी और इस साल $50,000 है। और ये गेम कभी भी इस तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ था कि किसी की डेथ हो सके, लेकिन पिछले साल 2 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी, जिमी और एबी की। खैर अब इस साल कौन से नए स्टूडेंट्स आते हैं और कौन कौन से नए चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं और क्या वो लोग पैनिक करते हैं या नहीं करते हैं, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। खैर अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो एक ही चीज़ बोलूँगा, नॉनसेंस। फिर से बोल रहा हूँ, नॉनसेंस। स्टार्ट से लेके एंड तक ये शो पूरी तरह से नॉनसेंस है। हालांकि स्टार्टिंग के जो 4 एपिसोड थे उसको देखकर ऐसा लगता है कि यार अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। हालांकि वो 4 एपिसोड अच्छे, लेकिन उसके बाद जो मिक्स खिचड़ी की है यार मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि जो मेन प्लॉट है उस गेम का, पैनिक का, वो भी चल रहा है, फिर उसके बाद आगे आपको काफ़ी सब प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे, फिर उसके आगे आपको लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा, आपको रिवेंज भी देखने को मिलेगा, फिर उसके आगे बैटिंग भी डाल दी, यानी कि इतनी सारी चीज़ें डाल दी कि वो दिमाग का झोपड़ा कर देती है और कुछ नहीं। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेतर, नील, नेटालिया, बिशॉफ, रे हॉल, डॉज, कॉर्टेज, यानी कि इतने कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी किसी को भी उस लेवल का नहीं लिखा या उस लेवल का प्रेजेंट नहीं किया जिससे आप लोग उनसे इमोशनली कनेक्ट हो पाओ। फोटोग्राफी अच्छी है, BGM भी ऑसम, लेकिन इसकी जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही भाई आते हैं। और जो जो यहाँ पर चैलेंजेस बताए ना, आप इससे अच्छे चैलेंज हमारे इंडिया के जो खतरों के खिलाड़ी है, जो कि फियर फैक्टर का कॉपी है, उसमें एटलीस्ट अच्छे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तो ऐसे नॉनसेंस चैलेंज थे जो मतलब आप देखोगे तो आपको हंसी आएगी। वो सारे चैलेंजेस को देखकर ऐसा फील ही नहीं आता कि यार वो जो लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करें वो कहीं से भी पैनिक हो। हाँ, ये सीरीज़ देखते दौरान आप लोग पैनिक ज़रूर होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर इतना पैथेटिक डायरेक्शन है कि वर्ड्स नहीं है मेरे पास। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हर एक एक्टर ने यहाँ पर डिसेंट काम किया, किसी ने भी आउटस्टैंडिंग काम नहीं किया। और मुझे परफॉर्मेंस से कोई लेना देना था ही नहीं, मतलब एक मोमेंट ऐसा आ गया था इस शो में जहाँ पर मुझे इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था कि ये शो मैं क्यों देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए शो में 4th एपिसोड के बाद जो लोग ने एडल्ट सीन शुरू किए, यानी कि लिटरली हर एक एपिसोड में लोगों ने एडल्ट सीन डाले और कुछ कुछ जगह पर तो अननेसेसरी के किसिंग सीन डाले। और वो जो लव ट्रायंगल की जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, वो लव ट्रायंगल को तो क्यों डाला बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि वो लड़की कंफ्यूज है या वो दो लड़के कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए उनको। मैं इस रिव्यू के बाद डेफिनेटली सेरीडॉन खाने वाला, और मैं लूसीफर Season 5 Part 2 देखने वाला था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं उस स्थिति में हूँ कि कुछ और देख पाऊँ। सीरियसली दिमाग का खोपड़ा हो गया, जो बोल सकते आप लोग बोल लो। काफ़ी एडल्ट डायलॉग सुनने को मिलेंगे जो कि घर वालों के साथ नहीं देख सकते। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 4 out of 10। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ये शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शेर भी आपको देखने को मिला, यानी कि टाइगर 9th और 10th एपिसोड में देखने को मिला, लेकिन वो शेर को क्यों डाला वो समझ के बाहर है। और शेर नहीं भी डालता तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो बस सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्टिंग फील कराने के लिए या तो फिर शायद ट्रेलर में दिखाने के लिए शेर को डाला, बगैर शेर की कोई ज़रूरत नहीं थी भाई इसके अंदर। आप लोगों का ओपिनियन अलग है इस शो को लेकर, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मेरे रिव्यूज़ पे ज़रा भी बिलीव करते हो तो ये शो आप लोग मत देखना, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। और यस, इसका Season 2 डेफिनेटली आएगा, लेकिन मैं होप करता हूँ कि ना आए, क्योंकि इस तरीके के पैथेटिक शो लोगों को सिर्फ बीमार कर सकते हो, लोगों को पैनिक कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स राइट नाउ।
और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।